गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज के इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या करने जा रहा हूँ? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड सम्स एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में हमको जैसे 3 से डिवाइड करना है, 4 से करना है, 12 से करना है, 11 से करना है, तो उस केस में हमको जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि हमको पहले से पता करना है कि ये नंबर इसे डिवाइड हो जाएगा, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इजीली उसको डिवाइड कर पाते हैं। तो हम वन बाई वन देखते हैं कि जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो क्या होता है और किस किस नंबर से हम उसका एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है? तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है? पहला मेरे पास बाय टू, क्या के का कोई भी नंबर है, ठीक है? मेरे पास 3, 2, 6 इस तरीके से 5, 8, तो ये नंबर है। अब पता करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखना क्या है कि उस ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, ये वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे अगर मान लीजिए क्या होता है, 0, 2, 4, 6 और 8 क्या होना चाहिए इस प्लेस पे, या तो 0 हो, या 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8, ठीक है? तो इसमें से कोई भी अगर नंबर वंस प्लेस पर रहता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर इवेन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवेन क्या होता है, इवेन में भी वही है कि जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वो क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या क्या, जैसे एक और हम नंबर लेते हैं ना, 3, 9, 5, 6, 8, ठीक है? तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, ठीक है? मीन्स इसी में से क्या है, कोई 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करके भी देखते हैं रियल में होता है कि नहीं। 3, 9, 5, 6, 8, ठीक है? 1 जा 1 9 18 1 5 14 आ जाएगा, फिर उसके तो बाद 6 16, फिर ये टक्का आ जाएगा 2 4। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ये नंबर क्या करे, इसको डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है? तो ये तो मैंने एक्चुअल डिवीजन से भी पता किया, लेकिन इसमें अधिक टाइम लगेगा, इसीलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दी जाती है कि किस नंबर से एक नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उसको पता करने के लिए। अब आते हैं हम, 3 से क्या होता है, 3 से क्या है? बाय 3, देखना है क्या कि इसमें कोई भी नंबर है, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 8, 9, 5, 2, इसके हम डिजिट को ऐड करते हैं, डिजिट मतलब ये सेपरेट हो गए, 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2। 8 9 कितना होगा, 17 प्लस 5 कितना हो गया, 22 प्लस 2 24। तो उसके डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है, फिर देखना है क्या कि ये जो सम है इसके टेबल में आता है कि नहीं, ठीक है? तो 3 8 24, तो 3 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है ना, मतलब क्या, जो ये नंबर है वो 3 से टोटली डिविजिबल है। तो इसका स्टेटमेंट है क्या कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा,
जब उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब बताते हैं 4 में क्या होता है, 4 वाले में। ठीक है, बाई 4 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 6 3 9 5 4 3 1 6। ठीक है, तो क्या करना है, इसके वंस और टेंस प्लेस वाले डिजिट को देखना है। किसको देखना है, वंस और टेंस। ठीक है, अगर ये दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर वंस और टेंस प्लेस पे दो दो जीरो आता है, ठीक है, इस पे, तो वो नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। स्टेटमेंट क्या होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द डिजिट एट वंस एंड टेंस प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 4 और एट द बोथ प्लेसेस 0 आर गिवन। तो यहाँ पे क्या है, 9 5 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये टोटल नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। इसको हम रियल में करके भी देखते हैं, 6 3 9 5। ठीक है, 4 1 4। ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे, 2 3, 4 5 20 3 9, 4 9 36 35, 4 8 32, और रिमाइंडर कितना आ गया, 3। मीन्स 4 विल नॉट डिवाइड दिस नंबर। ओके, नाउ कम टू दिस नंबर, 4 3 1 6 बाई 4, 4 1 4। ठीक है, 3 0 0, देन आफ्टर 4 7 28, 3 6, 4 9 36। मीन्स ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, वैसे भी रूल में क्या था कि वंस और टेंस प्लस पे क्या होना चाहिए, वैसे नंबर होना चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 6 और 1 है, तो ये 16 क्या हो गया, 4 से डिविजिबल है ना, तो ये जो नंबर है वो भी क्या है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले केस में, फोर वन जा फोर, ठीक है, 1 7, 4 4 जा 16, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, एंड 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका 4 से डिविजिबल हो गया। इसका रूल है क्या, नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द डिजिट एट वंस एंड टेंस प्लेस आर मल्टीपल ऑफ 4 और 2 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, डिविजिबिलिटी बाय 5। किसमें आता है डिविजिबिलिटी बाय, मैं सारे टॉपिक को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये बात है कि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर आपकी डिमांड होगी कि आप इसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं इसको अगले क्लास में अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा इंग्लिश में। ठीक है, अब बन गया आपका 5 से। ठीक है, 5 से क्या है कि कोई नंबर है 4 7 2 0 3 8 1 5। अब यहाँ पे कोई नंबर है, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 और इसके वंस प्लेस पे 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5, 0 और 5। तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कहीं भी 0 नहीं होना है,
केवल वंस प्लेस पे होना है, ठीक है। तो इसको हम रियली में करके देखते हैं एक्चुअल डिविजन क्या है। 5 9 45, 2 2 5 4 5 4 जा 0 आ गया ना। 3 नंबर क्या है, 4 7 2 0, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0। अब इसको देखते हैं, 3 8 1 5, इसको भी 5 से करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 3 1 5 6 जा 30, 1 5 5 3 जा 50, ठीक है। तो ये भी नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो इसका क्या हो गया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट 0 एंड इट्स अ डिजिट एट 1 एंड 10 प्लेसेस 0 और 5, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आते हैं हम क्या करते हैं, 6 से क्या होता है, 6 से क्या, ठीक है। इसका ये है कि हम 6 को क्या कर सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं ना। तो बोल सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, ठीक है। एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो आते हैं लिखते हैं 3 5 1 6, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे इवन है तो 2 से डिविजिबल हो गए। अब 3 से है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने इसके पहले बताया था कि उसके डिजिट को ऐड करेंगे। 3 5 कितना हो गया, 8 plus 1 9, 9 plus 6 15। तो ये नंबर क्या है, 3 से भी डिविजिबल है और क्या है, 2 से भी डिविजिबल है। 2 से इसलिए क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 6 है, और 3 इसलिए क्योंकि इसके डिजिट का सम क्या है, 15 है। 3 plus 5 8 plus 1 9 plus 15। तो ये तो हो गया कि 2 से भी है, 3 से भी है। अब देखते हैं कि 6 से है कि नहीं, ठीक है। 6 5 जा 30 5 1 6 8 जा 48 3 6। तो ये नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल है। तो जब हम 6 से टेस्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी का, तो उसमें 2 और 3 से एक्चुअल डिविजन नहीं करना है, 2 और 3 को भी जो मैंने रूल बताया उसके हेल्प से पता करना है। फिर आपको इसलिए 6 से पता चल जाएगा कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आज से क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अगले पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 8 9 10 एंड डिफरेंट नंबर्स, ओके। यहाँ तक ही नहीं, 11 के बाद भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितने सारे नंबर उसका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है। वैसे तो बुक में 11 तक ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।